हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए, इस वीडियो में हम प्रतिशत रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, यानी कि किसी भी संख्या का आप प्रतिशत कैसे निकालोगे, या फिर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे, या फिर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलोगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं प्रतिशत में, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किसी भी चीज़ का जो है प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 20 रुपया का 10% कितना होता है, तो आप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 का 10%, ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है 20 का 10% निकाले क्या होगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले वो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, प्रतिशत का जो सिंबल होता है, संकेत जो होता है, वो इस प्रकार होता है। संकेत हो गया, इसका सिंबल हो गया। ठीक है, और इसका मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने लिया क्वेश्चन 20 का 10%, आप बताओ कितना होगा। यानी कि मान लो 20 रुपया है, या फिर 20 पीस है, या जो भी मान सकते हो, यहाँ पे 20 का 10% क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यानी कि 20 रुपया का 10% कितना होगा, है ना। तो अब इससे हम कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। ओके, तो 20 का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो 20 का मतलब गुना 10%, यही है ना, का मतलब गुना हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ से हम परसेंटेज जो है यहाँ पे हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव किया और नीचे 100 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे काट दो, काटने के लिए आता है ना, 0 0 कैंसिल, फिर ये 0 कैंसिल, यानी कि 20 रुपया का 10% कितना होता है, 2 रुपया होता है। 2 रुपया होता है, अगर इसे आप पीस मानते हो तो 2 पीस होता है। जो भी चीज़ आप मान के चलोगे वही होगा। ठीक है, रुपया मान के चलोगे तो रुपया होगा, 20 पैसा का 10% कितना होगा, तो 2 पैसा होगा, जो मानोगे वही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, 500 का मान लो, 500 का बोल रहा है आपको निकालने के लिए 30% निकाले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप निकालो। ठीक है, 500 का 30% कितना होगा, तो 500 का मतलब क्या होता है भाई, गुना 30%। ठीक है, अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ से हम परसेंटेज यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो 100 नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसे यहाँ से काट दो, 0 से 0 कटा, फिर ये 0 से ये 0 कटा, है ना। तो अब देखिए कितना हो गया, 5 3 15 और ये 0, यानी 50 गुना 3 कितना होता है, 150 होता है, तो ये 150 हो गया, है ना। 500 का 30% कितना हो गया, 150। ओके, ये इसका आंसर हो गया। चलिए और एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लो दिया हुआ है 5000 का 5% बोल रहा है निकालने के लिए, 5% ज्ञात करें या निकाले, मालूम करे, कुछ भी बोल सकता है ना। 5000 का 5% क्या होगा वो आपको बताना है। तो 5000 का मतलब क्या होता है, गुना परसेंटेज हो गया। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, 100। तो यहाँ से हम परसेंटेज रिमूव करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ से हम हटा रहे हैं तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से 100 100 फिर 100 100 कट गया। फिर अब क्या करो, 50 गुना 5 कर दो, तो 50 गुना 5 कितना होता है, 25 25, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 250 आंसर हो गया। ओके, और एग्जाम्पल लेकिन यहाँ समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ, मैं 30 का 5% क्या होगा, है ना, 5% बराबर वाट। तो 30 का मतलब क्या होता है, गुना 5%। ओके, तो 30 का परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100, तो 100 नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार यहाँ से 100 100 काटा। ओके, फिर यहाँ से देखिए 5 2 10, तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो कितना हो गया, 3 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया, यानी कि 3/2। अब इसे टोटली आप इसे डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, है ना, तो 1.5 भाग होगा। ठीक है, 30% का 5% कितना होगा, 1/5 भाग, या फिर भिन्न में बोलना चाहते हो तो 3/2 भाग होगा। ओके, चलिए हो गया। अब हम सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। उससे पहले ये आप देख लो, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से बनाना है। ठीक है, 55 का 10% क्या होगा, ये आपको खुद से बनाना है। 5500 का 50% क्या होगा, ये खुद से बनाना है। जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद से बनाना है, और कमेंट में बना करके लिखना है कि इतना का कितना आंसर आया। ओके, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है वो समझते हैं।
तो आइए समझते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदले और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 10%, है ना, इसे बोल रहा है भिन्न में बदलने के लिए। ओके, तो आपको अभी मैंने क्या बताया, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 10 को हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, है ना। प्रतिशत मतलब 100 होता है, यानी कि 100 से भाग देना है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से एक जीरो कट गया, यानी कि 10% को है भिन्न में जब लिखेंगे तो 1/10 हम लिखेंगे, ठीक है, 1/10। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, 20% को भिन्न में बदले। ओके, तो इसे हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो 20/100 से भाग देना है, ठीक है। क्यों 100 से भाग दिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये मैंने बताया था आपको कि 100 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया और 2 5 10, यानी कि 1/5, या फिर इसे डायरेक्ट काट सकते थे 20 5 100, ठीक है। तो 1/5 होगा 20% का भिन्न। ओके, आइए और यहाँ क्वेश्चन लेकर समझते हैं, 40% को भिन्न में बदले, ठीक है। तो इसे भी वही काम करना है, 40/100 से भाग दे देना है। ओके, तो यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कट गया, ओके, 2 2 4 2 5 10, ओके। तो इस प्रकार 2/5 इसका आंसर हो गया। ओके, और यहाँ पर और एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मैं 30% इसे बोल रहा भिन्न के रूप में लिखने के लिए, है ना। तो 30% को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रतिशत हट गया यहाँ पे, तो 100 से डिवाइड हो गया, है ना। तो इस प्रकार यहाँ देखिए ये जीरो कैंसिल, यानी कि 3/10, अब तो 3 और 10 कटेगा नहीं, तो 3/10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि जब तक कटता है आप काटते रहो, ठीक है, और अब नहीं कटेगा तो वही इसका भिन्न के रूप में आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम घर के लिए कुछ दे देते हैं। ओके, जैसे मैं आपको दे दिया हूँ 50% को भिन्न में बदले, पहला, दूसरा 25% को भिन्न में बदले, तीसरा 55% को भिन्न में बदले, ओके, चौथा मैं दे देता हूँ 22% को भिन्न में बदले, पाँचवा दे देता हूँ 28% को भिन्न में बदले, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ये तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सीखे थे ना, अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखने वाले हैं, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए सीखे थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, 100 से भाग करते थे। तो इसमें जस्ट उल्टा करना है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो इसमें क्या करना है, 100 से गुना कर देना है, तो भिन्न आपका प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 2/5 क्या है, 1 भिन्न है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है भाई, 100 से गुना कर देना है, ओके। तो 2/5 को क्या करना है भाई, 100 से गुना कर देना है, ओके। 100 से मैंने क्या किया, गुना कर दिया, ओके। तो आइए यहाँ से इसे हम काटते हैं, 20 5 100, है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, 40% हो गया, है ना। तो 2/5 को प्रतिशत के रूप में कितना आंसर आएगा, 40% आएगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, 5/4, है ना, इससे बोल रहा प्रतिशत में बदलने के लिए, ये भिन्न दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो वही काम करना है आपको, 5/4, ओके, क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो 25 चौके 100 होता है, तो 25% में ये कट जाएगा, तो इसे आप गुना कर दो, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 प्रतिशत, प्रतिशत में आंसर लिखना है, क्योंकि प्रतिशत में आपको चेंज करना है, ठीक है। आइए और एग्जांपल लेके समझते हैं, 8/ मान लो हम ले लेते हैं 2, ठीक है, 8/2, इसे बोल रहा प्रतिशत, ये भिन्न है, इसे बोल रहा प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसे, हालांकि ये देखिए कट भी रहा है, ठीक है, ये कट भी रहा है, तो हम 8/2 को 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 50% ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया, ये 400, 8 5 40, यानी कि 400 हो गया प्रतिशत, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ ये दे दिया है, 4 दे दिया, ठीक है, मान लो 4 दे दिया, इससे बोल रहा है आपको प्रतिशत में बदलने के लिए। आप तो बोलोगे ये भिन्न में है ही नहीं, ये भिन्न में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान के आप चल सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में,
हर में अगर कुछ नहीं है तो आप एक मान करके चलोगे, ठीक है, ये नियम है मैथ का, ठीक है। तो चार बटा एक हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, चार बटा एक को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 400%, है ना। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो पाँच है, ठीक है, इसे बोल रहा है आपको क्या प्रतिशत में बदलने के लिए, तो पाँच के नीचे कुछ नहीं तो हम एक लेकर के चल सकते हैं ना, तो पाँच बटा एक ये भिन्न हो गया, ठीक है, गुना 100, तो इस प्रकार 500 क्या हो गया प्रतिशत, पाँच का प्रतिशत में चेंज करेंगे पाँच को तो कितना होगा, पाँच बटा एक को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 500 होगा, ठीक है। सो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। सो होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो थैंक यू। चलिए हम होमवर्क दे देते हैं आपको कुछ, ओके। तीन बटा चार को प्रतिशत में बदले, है ना, प्रतिशत में बदले, और भी दे देते हैं, ठीक है। सात बटा पाँच को प्रतिशत में बदले, ओके। और एक दे देते हैं एक एग्जांपल, आठ बटा छः को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो ये आपको खुद से करना है, ओके। सो थैंक यू।